टी सीरीज द्वारा निर्मित धोखा राउंड डी कॉर्नर 23 सितंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। फिल्म को डायरेक्ट कुकी गुलाटी ने किया है, जबकि इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, धर्मेंद्र शर्मा और विक्रांत शर्मा ने प्रोड्यूस किया है। धोखा राउंड डी कॉर्नर 23 सितंबर को दुलकर सलमान और सनी देओल की चुप के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगी। डायरेक्टर कुकी ने कहा, एक दिन आपके जीवन को बदल सकता है और धोखा मूवी दर्शकों को यह सोचने के लिए मजबूर करेगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। यह आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। आर माधवन ने कहा, धोखा अपने प्रदर्शन और कहानी कहने से प्रेरित है। पात्र केवल काले या सफेद का नहीं है, कोई अच्छे लोग या बुरे लोग नहीं है, उनमें से हर एक में सतह के नीचे कुछ है। खुशाली ने टिप्पणी की, एक सच्चाई हो सकती है लेकिन इसके लिए हमेशा अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं और यही धोखा चलता है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं रोमांचित हो गई और फिल्म वास्तव में अव्यवस्था तोड़ने वाली है। दर्शन ने कहा, धोखा दर्शकों को उनकी सीटों के किनारे पर छोड़ देगी। यह एक थ्रिलर है जिसका कोई अंतिम जवाब नहीं है और हमेशा आपको अनुमान लगाने पर मजबूर करेगी। अपार शक्ति ने कहा, यह निश्चित रूप से मेरी सबसे चुनौतीपूर्ण फिल्मों में से एक है क्योंकि यह चरित्र बहुत ही स्तरित है और मेरे द्वारा अतीत में की गई किसी भी चीज के विपरीत है। मैं इस पर दर्शकों की प्रतिक्रिया को जानने के लिए उत्साहित हूँ। टी सीरीज द्वारा निर्मित धोखा राउंड डी कॉर्नर 23 सितंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की सभी अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज साइट। धन्यवाद।